दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। We'll be right back.
अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। मैं आपका स्वागत करते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर अब हम प्रार्थना करेंगे। ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान। धन्यवाद परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान और एक सबरिकान तवशकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर। धन्यवाद परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करने के लिए। ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान अब हम प्रार्थना करने वाले हमारे विश्व के बच्चों के लिए, वो उन परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है, वो स्वस्थ है, सुरक्षित है, उन्हें किसी चीज की कमी करती नहीं है। अब हम प्रार्थना करने वाले ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान। देश का हर एक बच्चा स्वस्थ सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में, और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान तवशकान आपकी बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में, और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान तवशकान। वो बेस्ट है, वो एक्सीलेंट है, वो क्लास में फर्स्ट आते है यीशु मसीह के नाम में, और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान तवशकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान। उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी, और एक सबरिकान तवशकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान। कोई भी बच्चा बीमार नहीं हो सकता यीशु मसीह के नाम में, आपने कोड़े खाए ताकि हम चंगे रहे, हम चंगे यीशु मसीह के नाम में, और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान तवशकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान तवशकान। उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं है, जो उन्हें चाहिए वो उनके पास है यीशु मसीह के नाम में, और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान तवशकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस कर और एक सबरिकान तवशकान और एक सबरिकान। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ, ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है, और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे, और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुरे! तो क्या शुरू करें? पवित्र प्रभु सबसे ऊंचा परमेश्वर हाथ है, पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा, सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा, पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा, सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा, पवित्र प्रभु सबसे ऊंचा, तू सबसे ऊंचा, सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा, ऊंचा
सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू है ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा वो पवित्र प्रभु महान परमेश्वर सबसे ऊंचा है तू तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा तू सबसे ऊंचा 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 तू सबसे ऊंचा ऊंचा तू सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा एकमात्र प्रभु मार्ग सत्य जीवन तू है तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा पवित्र प्रभु तू सबसे ऊंचा सामर्थ्य प्रभु तू सबसे ऊंचा अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का आज दिन रविवार दिनांक 6 आज का वचन है प्रभु भोज लेना। वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियो 10वां अध्याय 16वां वचन। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? प्रभु भोज लेना एक सम्मान और सुविधा की बात है। हर बार जब आप प्रभु भोज लेते हो तब आप दुनिया को बता रहे हो कि आप और प्रभु यीशु मसीह एक है, और क्रूस पर जो कुछ उसने किया वह आपके लिए किया। जो कुछ उसका है वह आपका है। क्या ये बात महान नहीं? इसलिए उत्साहित हो जाओ और प्रभु भोज लेने के हर अवसर पर आनंदित रहो। यह एक आशीषित और अद्भुत अनुभव है। वचन अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23-26 वचन। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंखों को बंद कर मेरे पीछे बोल सकते हैं। जैसे ही मैं रोटी और प्याले के साथ प्रभु भोज में शामिल होता हूँ, वैसे ही मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा उत्पन्न विजय के लिए हमेशा आभारी हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं।
आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। हर दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, हालेलुया। कैसे हैं आप? बोली मैं आशीषित हूँ, आई एम एक्सीलेंट। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अगर आपके भाई बहन, आपके दोस्त आपके साथ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमारा जून का महीना, आज पहला रविवार, आप सबका स्वागत है हमारे इस जून के महीने में। और पिछले रविवार हमने जिस विषय पर बात की थी वो थी अपने प्रकाश को चमकाओ। और हमने देखा कि हम अपने प्रकाश को कैसे चमकाते हैं, जब हम दूसरों के साथ सुसमाचार को बांटते हैं, जब हम अपने टैलेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोगों तक पहुंचते हैं परमेश्वर के वचन के साथ, प्रेम के साथ। हालेलुया। और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले वो हैं, आप परमेश्वर के दूत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सोचेंगे कि परमेश्वर का दूत होने का मतलब क्या है? दूत वो होता है, एक व्यक्ति जो क्या करता है, संदेश को ले जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि परमेश्वर का दूत हो, यानी कि हम क्या हैं, परमेश्वर के दूत हैं, वो जो परमेश्वर के संदेश को ले जाते हैं लोगों तक। हालेलुया। और आज हम बाइबल से पौलुस के बारे में देखेंगे, क्योंकि पौलुस भी परमेश्वर का दूत था। हालेलुया। और वो एक परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि परमेश्वर के दूत को कैसे होना चाहिए। तो बाइबल हमें बताती है पौलुस के विषय में, पौलुस का नाम पहले शाउल था। हालेलुया। पर पौलुस पहले से ऐसे नहीं था। जब वो शाउल था, जब वो यीशु मसीह से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत अलग था वो। परमेश्वर के कलीसिए को, जो मसीह थे, जो यीशु को फॉलो करते थे, उन्हें बहुत परेशान करता था, सताता था। पर जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। हालेलुया। उसने वो परमेश्वर का दूत बन गया और उसने पूरे सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा की। अब आप सोचेंगे कि ये बदलाव कब हुआ, वो शाउल से पौलुस कैसे बन गया। हालेलुया। तो जैसे मैंने बताया कि पहले जो वो शाउल था, है ना, वो मसीहों के विरोध में था, वो कलीसी के विरोध में था, उन्हें सताता था, परेशान करता था। और उसने क्या किया, जो महायाजक थे उनसे कहा कि जो दमिश्क में मसीह है, मुझे अधिकार दो, मुझे एक पत्र लिख के दो और मुझे अधिकार दो कि मैं उन्हें जाऊं और उनको पकड़ कर लेकर आऊं, मैं उनको पकड़ कर यरूशलम लेकर आऊं। तो महायाजकों ने उसको पत्र लिख कर दे दिया और उसको अधिकार दे दिया कि हाँ जाओ, दमिश्क में जाओ और जो भी महिला पुरुष जो भी तुम्हें मिलते हैं, जो मसीह को मैं विश्वास करते हैं, उनको तुम्हारे पास अधिकार, तुमको पकड़ सकते हो। हालेलुया। जब उसको वो अधिकार मिला तो वो अपने लोगों के साथ दमिश्क की ओर निकल पड़ा मसीहों को पकड़ने के लिए। पर जैसे वो शहर के नजदीक पहुंचे, वहां पर अचानक से क्या हुआ, स्वर्ग से तेज प्रकाश उनकी चारों ओर आ गया। हालेलुया। और जो शाउल है वो जमीन पर गिर गया और उसने शब्द सुना कि कोई उससे बात कर रहा था और उससे कहा कि तुम मुझे क्यों सताते हो। तो उसने पूछा कि
हे प्रभु आप कौन हो? तो उसने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम सताते हो। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम शहर में आगे जाओ और तुम्हें वहां पर बताया जाएगा तुम्हें आगे क्या करना है। और उसके साथ और भी लोग थे तो उन्होंने आवाज सुनी पर उनको कुछ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। और जब वो उठा, वो गिर गया था है ना, तो उठा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम से अंधा हो गया था। तो जो उसके साथ लोग थे वो उसका हाथ पकड़कर उसको शहर में लेकर गए और वो वहां पर 3 दिन तक था और 3 दिन तक उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना उसने खाया ना उसने पिया है ना, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अनानायस नाम का एक परमेश्वर का यीशु का चेला था, परमेश्वर ने उससे बात की और कहा कि तुम्हें जाना है यहूदा नाम के आदमी का घर तुम्हें ढूंढना है और वहां जाके पता करो कि शाऊल नाम का एक तारसी आदमी वहां पर है क्या, उससे जाकर मिलो क्योंकि उसने एक दर्शन देखा है कि तुम उससे मिलते हो और तुम उस पे हाथ रखते हो और उसकी आंखें खुल जाती है, वो देखने लगता है, उसने दर्शन देखा है। तो अनानियास प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, ये शाऊल के बारे में, ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, इसने यरूशलेम में जो मसीह थे जो कलीसिया थी उनको बहुत सताया, बहुत परेशान किया है और अभी महायाजकों ने तो उसको अधिकार दिया है और यहाँ पर भी वो मसीहों को पकड़ने आया है, सताने आया है, वो बहुत बुरा है। तो परमेश्वर अनानियास से कहते हैं कि मैंने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है, उसे जो अन्य जाति है, राजा है, जो इज़राइल के लोग हैं उन सब के पास जाना है, मेरे बारे में उन्हें बताना है। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी काम है जिसके लिए मैंने उसे चुना है। तो बाइबल हमें आगे बताती है कि अनानियास उसके पास जाता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो दोबारा देखने लगता है और उस दिन के बाद से उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हालेलुया। वो अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में समर्पित करता है, वो परमेश्वर का दूत बन जाता है, वो अपने जीवन को अपने चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालता है ताकि वो प्रभु के सेवा के योग्य बन जाए। हालेलुया। और वो निर्भीकता के साथ अलग अलग जगहों पर जाता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में तो आप देखेंगे कि अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है और सब जगह निर्भीकता के साथ सुसमाचार का प्रचार करता है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता है। हालेलुया। और पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, मुझे शर्म नहीं आती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की एकमात्र सामर्थ्य मनुष्य को बचाने का। हालेलुया। और कई बार तो उसको मारा गया, पीटा गया, जेल में भी डाला गया, लेकिन इस सब के बावजूद वो कभी नहीं डरा, कभी नहीं थका, कभी नहीं हारा। अगर जेल में भी गया, जेल से बाहर आने के बाद फिर से वो सबको बता, और कितने सारे चिन्ह चमत्कार पौलुस ने किए। हालेलुया। बीमारों को चंगा किया है ना, बहुत सारे काम आप देखेंगे। और जैसे मैंने बताया वो कभी नहीं थका और वो परमेश्वर का एक सच्चा दूत था। हालेलुया। और आज वचन से हम समझते कि हम भी क्या है, परमेश्वर का दूत है। एक दूत क्या करता है, जैसे हम परमेश्वर के दूत है तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के इस सुसमाचार को दूसरों तक ले जाना है। दूत क्या करता है, संदेश को ले जाता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के संदेश यानी सुसमाचार को लोगों तक ले जाते हैं। हालेलुया। ये एक दूत का काम है। तो एक दूत की तरह जैसे पौलुस निर्भीक था है ना, हमें भी क्या होना है, निर्भीक होना है। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। हालेलुया। विशेषकर जब यीशु के आने का समय क्या है, नजदीक है। रैप्चर क्या है, नजदीक है। ये हमारा कौन सा साल है, तैयारी का साल। हम तैयारी करें प्रभु से मिलने की।
तो हम चुप नहीं रह सकते, हम सुसमाचार को अपने पास नहीं रख सकते, हमें उसे क्या करना है, दूसरों तक ले जाना है, उन्हें बताना है। तो जहां कहीं पर भी आप हैं ना, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले, आपकी सोसाइटी, आपके स्कूल, आपके फ्रेंड्स, सबको हमें क्या करना है, यीशु के बारे में बताना है, बताइए परमेश्वर के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसके बारे में। हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा पर वो क्या पाएगा, अनंत जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये कितने सम्मान की बात है कि हम किसके दूत हैं, परमेश्वर के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम महान कामों को करने के लिए क्या है, चुने गए हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने पौलुस को चुना था, परमेश्वर ने भी मुझे और आपको इस समय के लिए चुना है। हालेलुया, महान कामों को करने के लिए। तो चुप मत रहिए, क्या करना है, निर्भीकता के साथ यीशु के बारे में सबको बताइए। याद रखिए वचन क्या कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर का एकमात्र सामर्थ्य मनुष्य को बचाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ कह सकते हैं, मैं परमेश्वर का दूत हूँ, मैं परमेश्वर का दूत हूँ और मैं निर्भीकता के साथ जहां कहीं जाता हूं, जिस किसी से मिलता हूं, सुसमाचार का प्रचार करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं इस काम को करने के लिए, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें भी जरूर बताइएगा। हालेलुया। तो अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाओ, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय है हिंदी में। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे हर चीज में गाइड करता है, मैं आशीष, समृद्धि और महिमा का जीवन जीती हूँ। महान मेरे अंदर रहता है, इसलिए मैं घोषणा करती हूँ कि मैं जीवन से बढ़कर हूँ। मैं नदी के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह हूँ। मैंने विश्व पर जय पाई है, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ और मैं सदा आनंदित रहती हूँ। हालेलुया, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया था, तो ये समय है जहाँ पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद कर मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलिए। इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है। ओ पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूँ, अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो बधाई हो, आप परमेश्वर के इस महान परिवार का हिस्सा है। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए जिसने आप इस समय अपना हृदय आपको दिया है। हाँ परमेश्वर, मैं कहती हूँ शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार या कब्जा नहीं है। मैं यीशु के नाम को बोलती हूँ, यीशु की प्रभुता को बोलती हूँ। परमेश्वर धन्यवाद कि आपका अनुग्रह इनके जीवन में महान रूप से काम कर रहा है। मैं इनको आशीष देती हूँ आपके वचन, आपके आत्मा, आपके अनुग्रह के द्वारा। ये आशीषित है और एक आशीष है, और ये सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय भेंट का है, जहां कहीं पर भी आप हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपने भेंटों को सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, अपने मम्मी पापा से बात कर आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू अपने भेंट को दे सकते हैं। इस समय हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देते हैं इस भेंट को देने के अनुग्रह और अवसर के लिए। धन्यवाद, ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर की जैसे ही हमने दिया है, हाँ उसकी एक बड़ी हुई फसल को हम पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवनों में कभी भी किसी भी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद देते हम इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को, कहते कहते भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का, हीलिंग का। अगर आप में से ऐसा कोई भी है जिसकी तबीयत ठीक नहीं, आप बीमार हैं, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उपलब्ध है आपको चंगा करने के लिए। और याद रखें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे रहे, देवीय स्वास्थ्य में स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते, हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ा सकते, हमारे साथ प्रार्थना कर सकते। रिबो सोम तनम अहांत्र दे वो काला के कोस की प्रपो ओ सांतला बो अहांत्र दे रो बाबा बाकी बो स्काप्ता के इन तला बो कता ए पासी अलग गोम तबे बो कता के इन त्रबो सोम त्रबा कर बो सी त्रबा। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना हर एक प्रतिक्रिया, अगर कोई भी बीमार है प्रभु, we command every sickness, every infirmity, every pain to leave in the name of Jesus. Hallelujah. हाँ परमेश्वर, हम आदेश देते हर एक शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने के, उस दर्द को जाने के लिए बोलते। हालेलुया। सर के बाल से लेके पैर के नाखून के शिकंकर में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। वो सोखता अहंत्र दे दे। हाँ परमेश्वर धन्यवाद, जैसे हम प्रार्थना करें आपका सामर्थ्य वहां पर उनके अंदर काम करें। हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बो अहं तलबोस की त्रबा रिबो गोता की अंत्रबोस धन्यवाद करते। हम कहते हैं स्वस्थ ये चंगे हैं आप प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है, हमें फोन करके जरूर बताइए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाओ वाओ वाओ, हमने कितना कुछ आज किया। हमने गाना गाया, डांस, एक्शन सॉन्ग, हमने कहानी सुनी, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा, घोषणाएं, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत बहुत मजा आया है। और जैसे मैंने हम हमेशा आपको बताते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो कुछ भी हमने यहाँ पर आपको बताया, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट वो ये है कि 11 और 12 जून को हमारा
मसी उमंग म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 6 तारीख रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है, तो अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, आप अच्छा डांस करते हैं, गाना गाते हैं, आर्ट, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, कोई भी टैलेंट है, और यहाँ तक कि आपके परिवार में भी अगर कोई है जो अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, तो जैसे कि ये जो प्रोग्राम है वो सबके लिए ओपन है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हालेलुया। पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने बताया कि 6 जून आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का, तो आपने नहीं किया तो आज ही कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, आपके पहचान के लोगों जो अच्छे हैं किसी, उनको अपना टैलेंट दिखा, उनको भी ज़रूर बताइएगा, हालेलुया। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जैसे मैंने कहा आज ही रजिस्टर कीजिएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करेंगे इस समय, जहाँ कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देते परमेश्वर आपका, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु आपका सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर है प्रभु, वो हर प्रकार की बुराई दुष्टता से हमेशा बचे हुए, वो आशीषित है और एक आशीष है, सारी चीजें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न कर रही है, धन्यवाद देवी, स्वास्थ्य उनका है प्रभु, उनके जीवन कभी कोई कमी नहीं होगी प्रभु, हाँ जो कुछ है सब कुछ आपने दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आप वो आपके वचन के ज्ञान और समझ में बढ़ रहे, हालेलुया, उनके जीवनों से, हाँ प्रभु उनके जीवनों से आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैल रही है, उनके जीवनों से आपका राज आगे बढ़ रहा है, आपकी महिमा हो रही है परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ कह सकते हैं परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं, और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में
हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, असमी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामिस, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ, और हम 5000 टीवो और 10000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ, और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू and God bless you.